ख्वाजा सरा, हिजड़े या किन्नर, इन नामों को सुनते ही गुमान बस यही होता था कि मुआशरे के सताए और धुतकारे हुए ये इंसान सिर्फ मजलूमियत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन बदलते हालात में अब ये ख्वाजा सरा भी इल्म हासिल करने के बाद अच्छी नौकरियों पर फायज़ हो रहे हैं और अपने बाकी साथियों के लिए पैगाम दे रहे हैं कि अगर तालीम हासिल कर ली जाए तो उन्हें भी मुआशरे में अच्छा और बाइज़्ज़त रोज़गार मिल सकता है। पहली बार पंजाब पुलिस में भी एक ख्वाजा सरा कॉन्स्टेबल की फ़राइज़ की अंजामदही उन्होंने शुरू की है। तो जनाब इस वक्त जानिया चौधरी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो जानिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा नाम आपका माशाल्लाह बड़ा इंग्लिश है और वर्दी में क्या कमाल आप लग रही हैं, दबंग। तो पहले तो मुझे बताएंगे वर्दी पहनने के बाद फीलिंग्स क्या है। पहले मैं ये नाम की कंफ्यूजन के ऊपर ना एक आपको विलियम शेक्सपियर की सेइंग सुना देता हूँ। विलियम शेक्सपियर कहता है कि जी नाम में क्या रखा है, अगर गुलाब के फूल को आप गोभी का कह दोगे तो वो खुशबू तो वैसी देगा जैसी गुलाब के फूल से दी है, फिर भी इस वजह से माजरत के आपका नाम गलत प्रोनाउंस हो गया। अच्छा अब मेरे सवाल पे आ जाइए, जो दबंग वर्दी में आप लग रही हैं माशाल्लाह से, हमें तो खास तौर पर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जो चीज हम लोग अक्सर कहते हैं कि आपको एक्सेप्ट अगर सिर्फ बातों से ही किया जा रहा है बल्कि इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है जो कि पंजाब पुलिस ने कर दिखाया माशाल्लाह और आप के सामने में इसकी सूरत में मिली। अच्छा मुझे ये बताएगा कोई मुश्किलात आपको पेश आई, अपना सफर तो बताइए कैसा गुजरा यहाँ तक पहुँचने में? जी बिल्कुल, मुश्किलात तो बहुत ज्यादा आई जब मैं एजुकेशन सेक्टर में थी, तब भी उसके अलावा जब मैं प्रॉपर जब जॉब वगैरह करने के लिए गई तो ड्यू टू माई जेंडर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक डिग्रेड किया जाता या फिर जॉब पे भी उस तरह से नहीं रखा गया, जितना भी मैं डिफरेंट जो जगहों पे मेरा जाना हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर। और काम तो ऐसे कोई भी नहीं देखता ना, जब काम वगैरह होते थे सारे क्वेश्चन और सारी चीज़ें मैं माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कर लेती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी जींस मेरे जेंडर की वजह से मुझे प्रॉपरली कहीं से भी जॉब वगैरह नहीं होती थी। फिर मैं डिफरेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में येस उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही है जनाए, इसीलिए कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और लोग जो है वो सिर्फ जो है फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से और किस लहजे में बात करनी है। एक अलमिया है हमारे माशरे का, माशरे के बहुत बड़े तबके का ये अलमिया है जो कि हकारत की नज़र से देखता है, जेंडर को बात करना पसंद नहीं करता है और उन्हें मालूम ही नहीं कि वो कितने वेल एजुकेटेड भी हैं और कितने डिज़र्विंग हैं इस जॉब के लिए जहाँ पे वो मौजूद हैं। तो पंजाब पुलिस को सबसे पहले तो भाई सलाम है कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है। हाँ बिल्कुल है। तो अच्छा मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तालीम का रुझान स्पेशली ये ट्रांसजेंडर्स में काफ़ी आम हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि आमतौर पर पता नहीं क्यों ये लोग बहुत जल्दी सोच लेते हैं कि शायद हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो तालीम हासिल करने का फायदा नहीं है, तो यही बस ठीक है जिस तरह हम लोग कर रहे हैं। जनाया कर लिया एक मरतबा फिर, तो जनाया सैरिश तो खैर आपके नाम का मतलब जो है वो जानना चाह रही है, उनको नाम का मतलब भी जरूर बताइएगा, साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप अपनी जेंडर कम्युनिटी के लिए जो है वो क्या कर रही हैं, आप जब आप यहाँ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो है वो बन चुकी हैं तो क्या आप ये आगे जो मुश्किलात आ रही हैं उन्हें हल करने के लिए कोई प्रोग्राम चलाने वाली हैं? बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और नाम का मतलब ऊंचाई बुलंदी हाई है। जी और के साथ साथ जो क्या बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली पंजाब पुलिस की तरफ से एक इनिशिएटिव दिया है पुलिस तहफ्फुज़ के मरकज जो कायम किए गए, उसमें हम लोग डिफरेंट सेक्टर जितनी भी वल्नरेबल कम्युनिटी पर हम उन लोगों को हेल्प आउट उसमें करेंगे, उनकी फैसिलिटेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी वल्नरेबल कम्युनिटी कई लोगों को नहीं समझ आती कौन ऐसे अफराध है, फॉर एग्जाम्पल फादर साहब अफराध है, डेफ एंड डम है, ब्लाइंड पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लोग हैं, जितने भी हमारे माशरे में जो बैगिंग कर रहे हैं वो अफराध या फिर ऐसी रन अवे फीमेल्स हैं, उसके साथ साथ जो जितनी भी खवातीन हैं बच्चे हैं जिनको हरासमेंट वॉयलेंस या इस तरह से कोई भी मसले मसाइल हो रहे होते हैं उन सब लोगों को कम्युनिटी की बात करूं। अब बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग आगे आ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं और आपको इम्पोर्टेंस की एजुकेशन की अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मैंने देखा है कि आपकी कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि समझ लेते हैं कि शायद हमें तो नौकरी नहीं मिलनी या फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं है तालीम हासिल करने का, या वो शॉर्टकट की तलाश में कि मेहनत भी ना करनी पड़े बस इसी तरह हम अपना गुजर बसर कर लें, कि जिस तरह आमतौर पर नज़र आते हैं कि ठीक है भीख भी मांग ली
और इस तरह से नजर आते हैं, क्या वजह है कि इस तरफ रुझान हो जाता है और इस तरफ आने का नहीं सोचते? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की जो है वो कमी है और एक्सेप्टेंस की जो है वो कमी है। विद ऑल दैट अगर हम लोग देखें इजी मनी की साइड पे जाएं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि इजी मनी वाली साइड पे जाती है या मेल हैं, वो भी कौन नहीं चाहता कि कम टाइम में उनको ज़्यादा पैसे या ज़्यादा चीज मतलब अर्निंग या ज़्यादा इस तरह की चीज़ें वगैरह मिले। तो यहाँ पे अब क्योंकि कम्युनिटी के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है उन लोगों को, मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो बार बार बोलते तो हैं कम्युनिटी का कि ये ट्रांसजेंडर जितने हमारे तरफ आ रहे हैं ये माशाल्लाह अच्छे करते हैं, ठीक ठाक है, ये क्यों जॉब करते हैं, लेकिन आई थिंक कि आप लोग तो अपने एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कितने हमारे तरफ आ हैं और वो आपने उनको कितना फैसिलिटेट किया, आपने उनको कितना हेल्प आउट किया, आप उनको कोई सिलाई मशीन ले दें या उनको उनको कोई स्किल्स वगैरह सिखा दें ताकि वो एक अपना अच्छे तरीके से रोजगार जनरेट कर सकें। सही नहीं, ये सिखाने का जो मामला जो आपने बताया ना, ये यही एक फुकदान है हमारे यहाँ कि जी वो 10 रुपये पकड़ा के आगे चले जाते हैं लेकिन कभी किसी को सिखाने की जो है वो हम कोशिश नहीं करते कि यार ये बर्डन हम क्यों अपने सर पे लें, ये माशरा सुधारने का काम जो है वो हम क्यों करें जबकि हमारी जान छूट रही है। 10-50-100 रुपये पकड़ा के दुआएँ लेके जो है वो हम आगे बढ़ जाते हैं लेकिन हम उसके लिए कभी दुआ नहीं करेंगे कि भाई तुम्हारा भी जो है वो रोज़गार चलता रहे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाया, आप जो है वो हमारे साथ रही और आपने जो है वो बताया। जाते जाते मैं चाहूंगा कि अगर कोई मैसेज आप देना चाहें वो अपनी कम्युनिटी के लिए हो बल्कि आप हमारी कम्युनिटी के लिए मैसेज दें, आप सबके लिए दें, आप पूरे पाकिस्तान के लिए दें, पूरे माशरे के लिए कोई मैसेज दें जो कि आपके दिल में हो बात और आप चाह रही हो कि आपको कोई प्लेटफॉर्म मिले और वहां आप वो कर सकें। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताती चलूं, पूरे पंजाब में पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज और भी सारा सारा काउंसिल जो प्रार है जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है। तो अगेन द होल क्रेडिट गोज टू आई जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और उसी तरह से सीनियर ऑफिसर्स जो हैं सब लोग। और जो कि आपने पैगाम की बात की तो आई थिंक कि ये तालीम जो है ना तालीम दोनों हाथों से बचती है। अगर आप जो सोसाइटी अगर एक्सेप्ट करेगी और इसी तरह से अच्छे तरीके से कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए डिफरेंट जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करेगी तो उसमें कम्युनिटी भी आगे कोशिश करेगी। और कम्युनिटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा प्लीज आप चीज़ों में आगे इन्वॉल्व हों, आगे बढ़ें, ये ना सोचें कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बिल्कुल मुख लोग हैं तो, और हम लोग आगे इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और तालीम का होना आपके लिए एक बहुत एज है। बिल्कुल, तालीम आपके पास हो आपके लिए बहुत सारी राहें खुल जाती हैं और आप जिंदगी में कुछ भी करने में कामयाब हो जाते हो, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया आपका जनाया चौधरी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हेड्स ऑफ मेहनत करती रहे और अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ ना कुछ लाजमी कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।